बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे जे पाक बफलो टीवी, तो मैं ताडा होस्ट हाफज अजहर जट। अज असी ज़िला फैसलाबाद तहसील तानला मौजा शहराजा पीर सैयद असरार हुसैन शाह शराजी साहब के फार्म ते मौजूद हाँ। पीर साहब की खसूसी मुहब्बत आ, उन्होंने शौकीनां लई दोस्तां लई टाइम दिता वा। अगे असी पहला पार्ट वीडियो का पा चुके हैं, उस पीर साहब का मुकम्मल तारफ तो मज के उत्ते काफ़ी तफसीली गल हुई है। तो मज़ीद असी हुण जिहड़ा सैशन बना रहे हैं उहदे ते जिहड़े मेले मुकाबले पाकिस्तान दे विच दुध दे मेलियां दी तारीख आ उहदे उत्ते तफसीली गल करांगे, क्योंकि माशाला पीर साहब जिहड़ा कोई 50-55 साल हो गए ने, तकरीबन 5 दहाइयां दे उत्ते शोक महीत आ पीर साहब दा। तो वह पुछांगे कि उस दौरान जिहड़े मेले हुंदे रहे, दुध दे मुकाबले हुंदे रहे, खूबसूरती दे हुंदे रहे, पीर साहब कैवें विच शामिल हुंदे रहे, ते अल्लाह ताला ने पीर साहब नूं बहुत इज्जतां नाल नवाजिया, उहदे उत्ते गल करांगे। तो उस वेले दे जिहड़े मज़ीद होर शौकीन दोस्त ने उहनां दे बारे च वी पुछांगे, ताकि दोस्तां नूं जिहड़ा मज दी हिस्टरी दे बारे विच साडी कोशिश है ज़्यादा तो ज़्यादा मालूमात दित्ती जाए। तो हुण पीर साहब नाल गल करने आ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पीर साहब बहुत शुक्रिया जी। तो सानूं हुण तुसीं ना जी अपने मेलियां दे बारे विच, दुध मुकाबलियां दे बारे विच तुसीं मालूमात देनी आ। बस तुसीं सानूं सब तो पहले ये दसो कि तुसीं पहली दफ़ा मेला देखण गए सीगे रिंग विच, जे तुहानूं याद होए, या खेलण गए सी, इहदे बारे च दसो तुसीं। मैं जी कोई तकरीबन 72 च गया मेला वेखण। अच्छा। उस वेले उम्र मेरी बहुत थोड़ी है जी। अच्छा। तो बाद 1983 फिर मैं माल लैके गया जी। अच्छा जी। थर्ड आया पहले मेले ते पाकिस्तान लेवल ते। अच्छा। फिर 84 च गया, फिर मैं फर्स्ट आया। अच्छा। पाकिस्तान लेवल ते जी। सही। फिर 92 च मैं सेकंड आया जी। अच्छा जी। उस तो बाद मैं कोट मोहम्मद दो मेले, एक मेला लड़िया जी, ठीक है, पंजाब लेवल ते, उन दोवां च मैं फर्स्ट आया जी। सही। तो पीर साहब इस वेले जिहड़ी अपने बिल्कुल सिर के उपर तस्वीर लगी दी एक वड्डे फ्रेम च मज दी, इहदे बारे च दसो। सुनिया माशाल्लाह कहिंदे काफ़ी इहने मेले मूले जी, तो इहदी हकीकत दसो जी। कैमरामैन साहब तुसीं मज दिखाओ। ये मज साडी घर दी है, बहुत बहुत पुरानी नस्ल है जी। अच्छा जी। तो ये रावी च पाई जाती। अच्छा। नीली च बाद च असीं आया, ये पहला रावी च पाई जाती जी। सही। हाँ जी। तो इस मज नाल जी किन्ने मेले तुसीं खेले जी? तुहानूं मेले जी 1983 ते 84 जी। दोनों माशाल्लाह तुहानूं पोजीशन मिली जी? थर्ड मिली है 83 च, 84 च फर्स्ट आई। यानी कह सकते हैं तुहाडी शौक की इब्तदा वा जिहड़ी अव्वल जिहड़ा पहले कम्मां विच 83 शुरू, 83 च ठीक हो गया। इस तो बाद पीर साहब फिर तुहाडे माशाल्लाह सिलसिले चलते रहे, तो आप मजीद कुछ दो तस्वीरां भी मौजूद है, इन्हां दे बारे च भी सानूं दसो जी। कैमरामैन साहब आ तस्वीर भी दिखाओ, तो पीर साहब नूं पुछने आ जी। आ मज दिखा लो पीर साहब नूं पहले, पहले मेरे दोस्त आखना की आप जी आखिया मेरी चंगी है, इनका इंसाफ वो ही कर छड़न फोटो वेख के भी जिंदे कोल है वह दस भी मेरे को है जी। अच्छा जी। हाँ जी ठीक हो गया जी। चलो मजीद जी होर दिखाओ जी तस्वीर, पहले पीर साहब दिखाओ फिर दिखाओ जी कैमरे से। 1992। अच्छा जी। दिखाओ जी कैमरा मैन साहब। पीर साहब ये की खूबसूरती वाले जानवर है या? ये दुध चाहिए सैकेंड फ्लावर। अच्छा जी। हाँ जी 1992। हाँ 1992 सैकेंड आई। पीर साहब जो कोई मेला खेलना हो या मुकाबला खेलना हो, उस्ताद की शागिर्दी तो बगैर तो निजाम नहीं चलता, तुसी इस फील्ड च अपना किनू उस्ताद मानते जे? मैं किसी को जी नहीं सीखिया। अच्छा। साडा पोस्टदार पोस्टी उस्ताद लगे हुंदे, मेरा भी वालिद साहब मेरा उस्ताद है जी। अच्छा जी। तुहाडे वालिद साहब तुहाडे उस्ताद है जी, उन्हां दा नाम ही दसो। मुहम्मद नवाज शाह। ठीक है जी। उन्होंने तुसी उस्ताद समझदे हो, ते गां तुहाडे माशाल्लाह शागिर्दां दी इक लंबी लिस्ट मौजूद आ, ते तुसी कुछ शागिर्दां दे अपने नाम दसो जिहड़े जिन्हां ने काफ़ी नाम पैदा किया वा, उन्हां दे बारे च दसो जी। चोरी फरूक साहब हैं जी, DPO फैसलाबाद। अच्छा जी। जिहड़े DSP साहब मशहूर ने जी। हाँ जी। हुण बन के DPO बन गए जी। जी जी। वह मतलब मेरे शागिर्द हैं हाजी शौकत डोगर जिहड़ा है, हर जगह ते मतलब हर मैदान च दसदे ने कि मैं उन्हां दा शागिर्द हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। ते बाकी मुड़ सीखिया तो काफ़ी है लोगों, कई मुड़ उस्तादा तो शागिर्द बज भी जाते हैं जो वल सीख लैन जी, उन्होंने नाँ नहीं लेना चाहिए फिर। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी जिस भी
मतलब शौक बनाया मैं सिखाया जो भी मैं जानना मैं किसी के शौक लुकाया नहीं। पीर साहब जो तुम माशाला मेले खेले शो किया उस वेले कोई शकीन होर भी होन के जेडे अल्लाह जे दुनिया तो चले गए अल्लाह ताला उन्होंने रहमत करे तो शौक बधाते रहे कोई ना उन्होंने दसो चौधरी गनी गुजर फैसलाबाद का अच्छा शौक किया। अच्छा जी तो इस तरह तो कुछ होर लोग भी हैं जो हम पूरे जहन तो नहीं रहे काफ़ी साल हो गए गाव सिकंदर अयात मेकन सिरगोदा अपना सरदार अली डोगर शेखूपुर वाले ने गावान का शौक बहुत उच्चा किया जी इनाम भी लाए ने जी तो बाकी फार्म तो मुड़ काफ़ी हैं जो लाहौर मेले गए ने उन्होंने मैं दसता पाया जी। मेलिया तो अलावा भी जी बड़े जो दोस्त मझा के शौकीन होए ने तो कई दोस्त साढ़े को मझा लैके जाते रहे जिस तरह जिला मंडी के भी दोस्त आते रहे तो गुजरात के भी इस तरह ओवरऑल पूरे पंजाब जेडे अज तो कोई 20 साल 25 साल पहले शौक न रूझते गए फिर कोई फोत हो गए उन्होंने बारे च दसो जे शौकीन होए जी अपने तो अलावा पुराने। हाँ जी अहमद बरियार चक मियाँ दा जी। अच्छा जी फालीए के नज़दीक जी वो साढ़े को काफ़ी मजा लाइया तो बड़ा उच्चा शौक उस बंद किया जी जी मुमताज रांझा गोजरे के करीब उन्होंने पिंड जी। अच्छा उस बंदे अच्छा शौक किया सही। हाँ जी वो लोग भी कुछ हैं सही। हाँ जी ते हुन पीर साहब मैंने है फालीए तारिक रैका मैंने उन्होंने अच्छा शौक अज भी है जी शौक उन्होंने शकील गुलजार है तहसील नाजिम उन्होंने अच्छा शौक है तलक भी दोवे नाल है जी। हाँ जी पीर साहब कुछ होर तस्वीर पी माशाल्लाह तुम मैं सदारती इनाम भी कोई मिले ये बारे च भी दसो जी जनरल ज़िया साहब ना तुहाडी तस्वीर है। हाँ जी 1984 मिले जी। अच्छा जी हाँ जी जनरल ज़िया साहब को लिया जी। अच्छा जी 1992 सदर इसाक को लिया नाल चाइना का भी आया हुआ जी सदर। अच्छा जी चाइना का भी चाइना के सदर से जी। हाँ जी हाँ जी दिखाओ जी सदर इसाक साहब को जी ते पीर साहब आखिरी तुसी मेला के साल तक खेलिया जी। असी पंजाब लेवल ते मेले तीन खेले ने 1907 तक। अच्छा जी हाँ जी सही। हाँ जी बोलिया भी 2007 तक 2007 तक जी ठीक हो गया। पी साहब आ एक तस्वीर है ताड़ी फैक्ट्री है जी पंजाब लाइफ स्टॉक दा जी। अच्छा जी ते आ अपना है हाई कोर्ट दा मेहम चीफ जस्टिस साहब नाल परवेज लाई साहब भी नाल परवेज लाई साहब दिखायो जी कैमरामैन साहब तस्वीर दा। पीर साहब माशाल्लाह तुसी जिस वेले सोशल मीडिया या मीडिया नहीं सी उस वेले तुसी माज दे उत्ते बड़ा काम किया बड़ा शौक किया जी। जी मेहनत का काम है जितनी मेहनत कर सी उतना ही मुड़ इजाज मिलना जी बाकी औखा शौक है सौखा नहीं है। अच्छा। मेरे दोस्त भी रात शौक करते फिर उन्होंने पता भी औखा ही है सौखा जी। सही हो गया पीर साहब शौक के उत्ते तुहाडा की यकीन सी कि जिहड़ा शौक सिर्फ एक दोस्त हुंदे का अपनी चार दीवारी च या अपने फार्म ते आप ही शौक करना ते एक शौक पीर साहब एक शौक हुंदा कि यानी कि अपने कीमती जानवरों चो चंगे जानवरों चो दोस्तों नूं गां देना है तुसी की नज़रिया तुहाडा रहा हैगा तुसी शौक आप भी किया कि गां दोस्तों नूं भी कराया जी। नहीं असी जिहड़े ने जी आप दे जानवर जाती। हाँ जी ये ज़्यादा जिहड़े दिते ने सिर्फ हाजी अहमद बरियार नूं दिते जी उस वेले माल ज़्यादा। हाँ जी ते बंदा अच्छा उहनूं शौक पैदा हो गया ते मैं उहनूं मझां दित्तियां सही। कुछ मझां हाजी शौकत नूं भी दित्तियां ने जी। अच्छा जी इन्हां दो तो बगैर घर दे जानवर जिहड़ा नहीं पसंद ओह सेल कीता है। अच्छा होर असीं जानवर किसी बंदे नूं घर दा नहीं दित्ता कोई दोस्त आए ने तो फिर कई इलाके च लै के उन्हां नूं दित्ते ने जी। सही हर बंदे नूं घर दे जानवर नहीं दित्ते जी कट्टे जिहड़े हैं ओह हर दोस्त नूं दिंदे रहे जी इस भी मगर दे छड्दे। पीर साहब कट्टियां दे उत्ते इक गल तुहानूं असीं पुछांगे कि इस गल विच किन्नी हकीकत हैगी है कि जिहड़े कोई घर मशहूर होए ने जिन्हां दीआं मझां चंगीआं होईआं ते उन्होंने सिर्फ इस नज़रिए ना कट्टा गाह नहीं दिता या उन्होंने ज़िबा कर लिया या अपने वाड़े ते महदूद रखिया ये क्या ये गल हकीकत है या एक फर्जी कहानियां ने जी असीं किसी का नाँ नहीं लैने या ये तुहानूं वैसे पुछने जी। नीली वाले कोई एक दो लोगों का ना जी। हाँ जी अज तू कोई 60-70 साल 80 साल पहले की गल बंदे करदे ने कि उह कट्टा चंगी माई दा हलाल करा देंदे हैं किसी को देंदे ने बरीड वास्ते। अच्छा तो बरीड वास्ते कट्टा देना एक जारिया सवाब है सदका जारिया है जी देना चाहिए मैं इस हक। अच्छा तो पैसों के लालच गलत कट्टा किसी ना दो
ਬਰੀਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੀਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੋਕੇ ਨਾ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਸਲਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਮਲਾ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਝ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਸ ਬੱਚਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰਾਈ ਉਸ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆਈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਮੱਝ ਫਸਟ ਆਣੀ, ਉਹ ਮੱਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ? 2006 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 6 ਦੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਈ 6 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲ 2 ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਪੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 2 ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, 5 ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਹੀ ਚਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੋਸਟਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੀਕਾ 'ਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਬੋਸਟਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ 26 ਲੀਟਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 26 ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਬੂਸਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਝ 25-26 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 25-26-27 ਹੋ ਜਾਸੀ, ਅਸਲ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੱਝ ਜਾਂਦੀ ਬਾਂ 34 ਲੇ ਵਗ ਜਾਵੇ, 33 ਲੇ ਵਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਵਲ ਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਜੀ, 2002 ਮਾਰਚ ਦੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ? ਇਹ ਮੱਝ, ਇਹ ਮੱਝ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਰਾਵੀ। ਪਿਓਰ ਰਾਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਈ ਲਾਹੌਰ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਏ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੌਕ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ, ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਕਸਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਮੋਟੀ ਤਕੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਗੋਧ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਸਰਗੋਧੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ।
पीर साहब होर भी कई दोस्त जिहड़े अपने शौक लिए दिल करदा कि असीं मेलियां मुकाबलियां विच जा के मझां अपनियां खलाईए लै के जाइए, उन्हां नूं कोई पैगाम देना चाहो किस तरह वो अपना शौक वधा सकदे आ? उन्हां दी जी इंज दस्सा नहीं पता लगता जी, एक तो मझ दी जिहड़ी हुंदी ना जी तबीयत ए अलहदा अलहदा, हर मझ इक्को खुराक नहीं मनदी। अच्छा, पहले तजर्बा घर च करना पौंदा की चीज़ां नूं बर्दाश्त करदी पसंद करदी, वह फिर जाके उत्थे देनी आउंदियां ने। हुण जिहड़ियां इत्थे मैं दसां वह गलत हो जासे, उन्हां दा नुकसान हो जासी, उह मझ ना मनसी। हर मझ दी तबीयत अलहदा हुण इस वेले पाकिस्तान विच जिहड़े ने चंद जिहड़े ने दोस्त शौकीन ऐसे ने बजुर्ग ने जिन्हां च पीर असरार शाह साहब का नाम पहले नंबर पर आता, जिन्हां नूं माशाल्लाह अल्लाह ने ऐनी इज्जत दित्ती, तो पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया मझ दी हिस्ट्री का ब्रीड का पाकिस्तान जिहड़े घर मशहूर होए सारा इन्हां को एक इलम है, तो माशाल्लाह इन्हां ने काफ़ी दोस्तों ने शौक भी करवाया। तो अज दी वीडियो बनाने का मकसद भी यह सीगा कि दोस्तों के विच शौक वधे। तो मजीद जे पीर साहब ना किसी ने कोई गलबात करनी, सवाल जवाब करना, कमेंट सैशन च अपनी कीमती राय ना सानू लाजमी दस्यो, सवाल भी दस्यो, इंशाल्लाह असी पीर साहब को जवाब पूछ के तुहानू दस्सांगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ताड़ा ते मेरा आमियो नासर और पाकिस्तान जिंदाबाद।